अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खान अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पाकिस्तान से परदेश तक। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब तो लाजमन करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। आज हम बोस्निया के एक गांव में हैं तो मैं आपको इस गांव का दिखाऊंगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं, उनका कल्चर कैसा है, उनके घर कैसे हैं, उनकी लाइफ कैसी है और इस गांव का विजिट दिखाऊंगा। देखें इधर डॉगी भी भौंक रहे हैं, अदरवाइज यूरोप के कुत्ते तो इतने गैरतमंद नहीं है जितने इधर के। हम वितज से परचाचिका विलेज की तरफ निकले हैं। वितज ये बोस्निया का एक टाउन है, बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है और इसके साथ मेन बड़ी सिटी ज़ेनिचा है। बोस्निया में उसे ज़ेनिचा बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में उसे ज़ेनिका बोलते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उधर का भी विज़िट कराऊंगा। तो सॉरी, तो मेरे साथ जो है वो शरीफ है। शरीफ इधर कई वितज का रहने वाला है और बोस्नियन एक नौजवान है, ये मेरा दोस्त है और उसने मुझे मना किया था कि जो है ना मेरी अभी वीडियो तुम मत शूट करना, मुझे मत लेके आना, इस वजह से मैं उसे नहीं दिखा रहा। और ये देखें कितने प्यारे घर हैं, खूबसूरत हैं। इधर का एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि सफाई का निज़ाम, सीवरेज सिस्टम का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है और लोग बहुत मिलनसार हैं, अखलाक वाले हैं, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। नेचर को ये लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत मेहनती लोग हैं। आप देखें बल खाती हुई सड़क जा रही है और कैसे परिंदे इधर से उधर उड़ रहे हैं और हरियाली ही हरियाली है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एरिया कितना खूबसूरत है, इसके व्यू आप देखें क्या शानदार है। ये अब हम दोबारा गाड़ी में बैठ चुके हैं और गांव की तरफ चल पड़े हैं। ये गांव की शुरुआत है, देखें भैंसों का, गाय का चारा गुजरा है। इधर लोग इस तरह इनको सेव करते हैं। और एक चीज़ और है कि हर घर के आगे लोगों ने ना फूल वगैरह बहुत लगाए हैं, अपने लॉन में फूल लगाए हैं, सब्जी लगाई है, यानी कि माशाल्लाह ये लोग बहुत मेहनती। लो भाई, हम इस गांव में पहुंच चुके हैं जहां हमने पहुंचना था। हम पीते हैं काफ़ी वगैरह और आप थोड़ा सा व्यू चेक करें इस गांव का ऊपर से। मैं बोस्नियन चाय पी कर आई हूं, काफ़ी कह लो या चाय कह लो, बहुत ही मज़ेदार और उसका जायका तो कमाल था।
तो आपको कैसा लगा ये गांव? इसका व्यू देखें, माशाल्लाह कितना ही प्यारा है। इस गांव की टोटल पॉपुलेशन 1070 के करीब है और यहां पर एक छोटा सा हॉस्पिटल है और स्कूल जो है वो 10वीं क्लास तक है, 10th तक है यानी कि। और यहां पर एक और चीज़ है कि ये लोग नेचर को बहुत पसंद करते हैं। अब ये जानवर हैं माशाल्लाह कितने क्यूट हैं। जब इनके ऊपर वार मुसल्लत की गई थी 1991 से 95 तक, इनके बहुत सारे जानवरों को मार दिया गया था सिर्फ इसलिए कि इनको खुराक ना मिल पाए। ये है स्टाल, जानवरों का घर जहाँ पे जानवर रखे जाते हैं। ये नीचे जो वाइट कलर है, इधर ये गायें भैंसे वगैरह होती हैं। अब स्टाल है तो जानवर ना हो, गाय ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बोस्निया के गांव हो और गाय ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जंग के बाद इन्होंने फिर अपने आप को इस तरह से सरवाइव किया है कि अब हर घर में 2 से 3 गाय है। ये एक जानवरों का चारा है जो आप देख रहे थे, और माशाल्लाह गाय भी ऐसी हैं कि जो 10 से 15 लीटर तक आराम से दूध देती हैं। अभी आप और भी आगे देखेंगे कि ये लोग मेहनत से भागते नहीं है, नजरें नहीं चुराते। अब ये देखें, पहाड़ों से चार कर आ रही हैं ये गाय, और ये एक घर की तकरीबन 20-25 गाय हैं। इसी तरह अब पूरे बोस्निया में बहुत सारी गाय हैं और बहुत सारे दूसरे जानवर हैं, भेड़ बकरियां हैं, जिसके ऊपर इन लोगों ने अपने आप को सरवाइव किया और जिंदगी में आगे बढ़ गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से, तुर्की से भी आगे जा रहे हैं। इन्होंने इतनी तरक्की की है। सलाम वालेकुम ब्रदर। इधर एक चीज़ और बहुत अहम है और बहुत अच्छी है कि भेड़ें हो, बकरियां हो, गाय हो, उनकी रजिस्ट्रेशन है, उनकी वैक्सीन होती है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। ये जो है अभी आप देख रहे हैं, ये जकीरा है और जैबीना है। ये बहुत अच्छे दो ख़वातीन हैं। इनके आगे जाकर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा इनके बारे में पूरी डिटेल। अब बोस्निया के गांव में हो और ट्रैक्टर ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। ये एक छोटा ट्रैक्टर है, ये एक फार्मर फैमिली है जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं। ये हाजी साहब हैं और ये आंटी हैं, उनका मैं नाम नहीं बता सकता। ये अभी तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। जिन लोगों के अपने खेत हैं वो खेतों में काम करते हैं, और कुछ हैं वो जाकर शहरों के करीब, जो शहर हैं इनके करीब, उधर जाकर जॉब करते हैं। इसी तरह ये अपनी लाइफ को आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन ये अखलाक के बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती लोग हैं। ये एक भी भाई है, ये सफाई कर रहा है। ये ज़ैबीना आंटी हैं और ये उनका शोहर है जो कटाई कर रहा था अभी अपनी, ये जो है इसे क्या कहते हैं पाकिस्तान में, यार मैं वो भी भूल गया हूँ, कि उसे तेज़ कर रहे हैं कटर जो है, जिससे अभी ये देखो ना कटाई कर रहा है। अब पिछले वाला बंदा जो था वो मशीन के साथ काम कर रहा था, ये हाथ के साथ चारा काट रहा है। ये जानवरों का चारा है, ठीक है। तो इधर दोनों तरह से काम किया जाता है, और इधर गांव में हो तो मुर्गी के ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इधर हर घर में ना 3 से 4 चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं, मुर्गियाँ हैं, भेड़ें हैं, बकरियाँ हैं या गायें हैं।
और सिर्फ रखी नहीं है, इनसे ये अपनी आमदनी का जरिया भी इन्होंने बनाया हुआ है। साथ कुछ लोग जॉब करते हैं और कुछ लोग जो है इन चीज़ों से उन्होंने अपनी आमदनी का जरिया बनाया हुआ है। और ये बहुत शानदार बात है कि मैं नहीं है इनके अंदर जो है ना, मैं वो नहीं है। कहना पीछे हो जाओ, जरा पीछे हो जाओ। ये भी एक छोटे साइज का ट्रैक्टर है जो जा रहा है, और गांव में हो तो नॉर्मल ट्रैक्टर ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरा दोस्त है, ठीक है, शरीफ का ये भाई है। तो हम इनके यहाँ ही ठहरे हुए थे और इतने मेहमानवाज लोग पूरे गांव के, सिर्फ यही नहीं पूरे गांव के, जैसे अब ये खूबसूरत गांव देख रहे हैं ना, ऐसे ही खूबसूरत बोस्नियन लोग हैं। आप दुनिया में कहाँ भी रहते हो, एक बार बोस्निया का विजिट लाजमन करिएगा, इन लोगों से मिलिएगा कि ये लोग पाकिस्तानियों की कितनी इज्जत करते हैं, ये आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये आपको बॉक्स नजर आ रहे होंगे, ये बॉक्स घरों के आगे पड़े हैं कचरे के लिए, कि यहाँ कचरा डाला जाएगा और गाड़ी आएगी एक वीक में दो बार और वो उठा के ले जाएगी। और ये देखें, ये सीवरेज सिस्टम है, हालांकि ये देखें ये गांव है, ठीक है, गांव में भी सीवरेज सिस्टम रखा हुआ है। इधर तो इतनी खास कोई ज़रूरत भी नहीं है। जैसे ज़बीना आंटी का शोहर कटाई कर रहा था ना चारे की, सेम वैसे ये बंदा भी कटाई कर रहा है। और इसकी पर्सनैलिटी चेक करें ज़रा, गांव में है लेकिन उसने देखो कितना वर्कआउट किया हुआ है। छोटा सा दरिया कह लो या पाकिस्तान में जैसे सुबह बोलते हैं, सुबह बहता हुआ जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पहाड़ों से बहता हुआ मज़ीद आगे पहाड़ों में कहीं गुम हो जाता है। और इधर भी देखें सफाई सुथराई हर तरह से इन लोगों का निज़ाम बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। अब ये गांव के बैक साइड से मैंने सीन लिया था सिर्फ दिखाने के लिए कि इधर हरियाली कितनी ज़्यादा है और उसे मैनेज कैसे किया गया हुआ है, कि अगर आप एक दरख्त काटते हैं ना तो दो दरख्त लगाना ज़रूरी है,
इधर का ये रूल है, एक कोई दरख्त काटता है तो दो लगाना बहुत जरूरी है। और सीन चेक करें कि अल्लाह ताला ने इनको हुसन, खूबसूरती, इनको बहुत कुछ अता किया है। पहाड़ के ऊपर गाय चर रही हैं और मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है। ये है जकीरा। जकीरा ने 1995 के वार में अपने वालद को अपनी बाहों में ही दम तोड़ते हुए पाया और बताते हुए ये अबदीदा हो गई। ये बहुत अजीम और बहादुर खातून है और हमारी नेबर थी। अब ये चाय तोड़ रही है और इधर चाय बहुत ज्यादा होती है। बोस्निया में अगर आप विजिट करते हैं तो आपको पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इधर हर जगह पे चश्मे बनाए गए हैं और ये जो चश्मे हैं ये हुकूमत की तरफ से बनाए गए हैं। बाहर से तो आपने गांव देखा है, अब घर के अंदर कैसे इनके घर होते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक घर है जहाँ हम ठहरे हुए थे, उनका ड्राइंग रूम है। तो माशाल्लाह इधर जो है ना, अंदर से भी ये घर बहुत खूबसूरत साफ सुथरा रखते हैं, सिर्फ बाहर से ही नहीं। ये है आया सोफिया जो कि इस्तांबुल में है और माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा हीटर। ये है बोस्निया का कल्चर के तौर पर हीटर जो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लकड़ियों पर चलता है और पूरे घर को गर्म रखता है सर्दियों में। और ये है जकीरा जो कि हमारे लिए इधर का खाना बना रही है, जिसका नाम बुरक या ब्रोक इस तरह से कुछ है, मुझे नाम नहीं आता, लेकिन माशाल्लाह बहुत मेहनती और बहुत बड़े दिल के ये लोग हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो इसलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल पाकिस्तान से परदेश तक को सब्सक्राइब तो लाजमन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।